अमरावती के पाठ्यक्रम निदेशक डॉक्टर सितेश पाटिल द्वारा 26 अगस्त 2022 को पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज अमरावती में हैंड्स ऑन कैडबरी विच्छेदन पाठ्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वह विभिन्न खुली रेनोप्लास्टी तकनीकी का प्रदर्शन करेंगे। एनाटॉमी विभाग के प्रमुख डॉक्टर शोभा रावलानी पंजीकृत प्रतिनिधियों को संबंधित नाक एनाटॉमी के बारे में जानकारी देगी। दूसरा एरिस्कॉन 27 और 28 अगस्त 2022 को होटल रेडिसन ब्लू वर्धा रोड नागपुर में आयोजित किया जाएगा। ऑरेंज सिटी अस्पताल में लायो सर्जिकल वर्कशॉप में लगभग 12 लायो राइनोप्लास्टी मामलों का ऑपरेशन किया जाएगा और कार्यक्रम स्थल पर लायो प्रसारित भी किया जाएगा। राइनोप्लास्टी को आमतौर पर बदल दिया जाता है क्योंकि नाक के आकार में कार्यात्मक और सौंदर्य सुधार के लिए नोज जॉब सर्जरी की जाती है। यह टेढ़ी नाक, काठी नाक और जन्मजात विकृतियों के मामलों में सांस लेने में कठिनाइयों के लिए भी की जाती है। यह प्राकृतिक शारीरिक कार्यों में समझौता किए बिना नाक के पुनर्निर्माण की एक कला है, ऐसा आयोजित पत्र परिषद के दौरान डॉक्टर सितेश पाटिल द्वारा कहा गया। नाकाच्या सौंदर्यीकरण करण्याकरिता केलेली शस्त्रक्रिया असते। जे नाक चांगलं श्वास घेऊ शकतं तेच चांगलं दिसतं सुद्धा, हे सगळ्यात महत्त्वाचं, सगळ्यात पहिल्यांदा हे समजून घेणे आवश्यक आहे। तर या शस्त्रक्रियेमध्ये नाकाच्या मध्ये जे मधलं जे हाड असतं त्या हाडाला सरळ केलं जातं व त्यामुळे श्वास घेण्याचे जे आजार लोकांना असतात, ज्यांना श्वास घ्यायला त्रास होतो, रात्री झोप लागत नाही, ज्यांना स्नोरिंग होतं, अशा लोकांकरिता सुद्धा ही शस्त्रक्रिया केली जाते। याचबरोबर नाकाच्या ओपन केल्यानंतर नाकाला, नाकाचे जे हाडं असतात नाकाच्या, त्याला कार्टिलेज म्हणतात, त्याच्यामध्ये आपण बदल करून, त्याच्या आर्किटेक्चरमध्ये बदल करून नाकाच्या शेपला आपण चेंज करू शकतो, नाकाच्या आकाराला आपण चेंज करू शकतो। जिथे अतिरिक्त कार्टिलेज आहे, जिथे जास्त कार्टिलेज आहे, ते कार्टिलेज काढून, ते हाड काढून नाकाला, मोठ्या नाकाला लहान केला जाऊ शकतं। जर नाकामध्ये कार्टिलेज कमी असेल, ज्यांचं नाक चपटं असेल, त्याच्यामध्ये नाकाच्यामध्ये कार्टिलेज टाकून नाकाला वाढवलं जाऊ शकतं। नाकाच्या बाहेरचे जे बोन्स असतात, नाकाच्या बाहेरचे जे हाडं असतात, त्याला पण आपण मॉडिफाय करून नाकातला निमुळत केलं जाऊ शकतं। ज्यांचे नाकाचे शेंडे दबलेले आहेत त्यांचे नाकाचे शेंडे आपण वर घेतले जाऊ शकते। सर्वप्रथम या शस्त्रक्रियेला रायनोप्लास्टी असं म्हणतात। या शस्त्रक्रियेला नुसतं सौंदर्यीकरणाची शस्त्रक्रिया नाही आहे, ही शस्त्रक्रियेमध्ये नाकाच्या श्वास घेण्याचा प्रॉब्लेम सॉल्व होतो व त्याचबरोबर नाकाची जी शेप आहे, नाकाचा जो आकारमान आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण बदल केला जाऊ शकतो। इस पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले राष्ट्रीय फैकल्टी है ऑपरेटिंग फैकल्टी डॉक्टर वोल्फगैंग गुबीश, डॉक्टर उल्लास राघवन, डॉक्टर वीरेंद्र घैसास, डॉक्टर क्षितिज पाटिल और अन्य राष्ट्रीय फैकल्टी डॉक्टर विकास कुलकर्णी MSENT इस्लामपुर, डॉक्टर विनय सावजी MCH प्लास्टिक सर्जरी, डॉक्टर विश्वास विजय देव MSENT बैंगलोर, डॉक्टर कपिल अग्रवाल MCH प्लास्टिक सर्जरी मुंबई, डॉक्टर ज्योत्सना जगताप MSENT मुंबई, डॉक्टर गजानन काशिद MSENT अहमदनगर, डॉक्टर विक्रम ओक MSENT पुणे, डॉक्टर नीलेश मकड़ीकर DLO पुणे, डॉक्टर उदत भट MCH प्लास्टिक सर्जरी मुंबई, डॉक्टर शैलेश कोथरकर MSENT नागपुर। इस सम्मेलन का आयोजन एसोसिएशन ऑफ ऑटोलरिंगोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया और विदर्भ चैप्टर द्वारा किया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिज देशमुख BCN न्यूज नागपुर।